मैंने सोचा था कि इसमें मतलब एंटी नेशनल एलिमेंट्स है ही नहीं, इसमें इस पर कुछ होगा नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं किया जाएगा, मतलब फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, वहाँ से बीएफए की, मतलब टीचिंग पढ़ा रहा हूँ स्कूल में और टीचर हूँ। कुछ दिन पहले हुआ ये था कि यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था ब्रिज पे, पाछेबा के ब्रिज पे, तो मुझे बोला था गया था उसमें कि आप ग्रेफिटी करके, तो कुछ लड़के थे उन्होंने बोला था जस्ट मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने सोचा था कि इसमें मतलब वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है ही नहीं, इसमें तो इस पर कुछ होगा नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं किया जाएगा, मतलब उस बेस पे मैंने ये काम स्टार्ट किया, ये म्यूरल स्टार्ट किया ग्रेफिटी। तो फिर कुछ लड़के थे वहाँ पे जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया वहाँ पे, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो उसी टाइम क्या हो गया कि मतलब अचानक से पुलिस आ गई, तो वहाँ पे सारे लोग भाग गए, मैं भी भाग गया था। फिर मुझे लगा था वापस निकलेंगे तो फिर नहीं आएंगे, तो फिर वो एक दफ़ा वापस निकले तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आ गए थे वो। तो हुआ ये था कि मतलब वहाँ पे कुछ नारेबाजी हो गई थी, उसकी वीडियो बनी थी, वीडियो क्लिप, तो वो वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे। तो फिर जब पुलिस वाले आए थे वहाँ पे, तो जब उन्होंने मुझे अरेस्ट करके लिया वहाँ से, तो उस टाइम मुझे उन्होंने बोला कि ये इतनी वायरल हो चुकी थी कि दिल्ली से हमें फ़ोन आया कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जी उसी दिन जब ये मतलब गढ़वाल ने फ़ोन किया कि इसको लिया है, मुझे तो पहले शौक लगा, इवन सबको शौक लगा कि इसको क्यों लेंगे। मैंने कहा क्यों लिया, बोला ये बनाया था इसने यहाँ पे, तो वही फिर मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि उसको लिया है, उसको लॉकअप में डाल दिया है। फिर हमने वहाँ यहाँ फ़ोन किया कि क्या बात है, बोला कि पुलिस वालों ने SHO ने बोला कि हमने खुद से नहीं उठाया, हमें ऊपर से ऑर्डर से IG की तरफ से। तो फिर मुझे उन्होंने लिया थाने पे, तो पहले सबसे पहले मैं था, उसके बाद फिर रात को उन्होंने और 6-7 लड़कों को लाया था। फिर एक लॉकअप में हम 8 लड़के थे वहाँ पे, हम लॉकअप में ऑलमोस्ट 3 दिन रहे वहाँ पे। पुलिस वाले थे मतलब वो गुस्से में थे, उन्होंने बोला कि फ़ोन आया था दिल्ली से कि ये क्या चल रहा है, जो वो वीडियो वायरल हो गई उस वजह से, मतलब ये नहीं पता है मुझे कि दिल्ली से किसका फ़ोन आ गया, तो हमें ऐसा बोला गया कि ये क्या चल रहा है वहाँ पे। मतलब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये जो मैंने वॉल ग्रेफिटी की, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, बट अब हो ही गया है, तो मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आगे कर पाऊँ। ये आर्टिस्ट का काम जो होता है वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस होता है। फलस्तीन में जो सिचुएशन चल रही है अभी, बस मैं उसको मतलब अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता था। तो अचानक मेरे दिमाग में आ गए, जैसे मैंने देखा वहाँ पे सोशल मीडिया पे वैसा हो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मतलब एज एन आर्टिस्ट, तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना इस पर एक ग्रेफिटी कर लूँ, ये तो बेस्ट सोर्स है मेरे लिए अपनी फीलिंग्स, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना थ्रू द कैनवस, मतलब पेंट कि जो मैंने वहाँ देखा, मतलब लॉकअप में जो मैंने फीलिंग्स देखी उनको मैं मतलब अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस मतलब करूँगा।